पब्लिक टीवी आपकी आवाज। विश्व जागृति मिशन मुरादाबाद मंडल के तत्वावधान में 8 मार्च को महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया। प्रातः 11 बजे से सामूहिक पार्थिव शिवलिंग पूजन प्रारंभ हुआ। प्रत्येक यजमान द्वारा 108 पार्थिव शिवलिंग बनाए गए। सामूहिक पार्थिव शिवलिंग रुद्राभिषेक का कार्यक्रम आशियाना स्थित दिव्यलोक आश्रम में प्रारंभ हुआ, जिसमें उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने भामी मिट्टी से बने 108 पार्थिव शिवलिंग बनाए और रुद्राभिषेक किया। रुद्राभिषेक के उपरांत भगवान भोले की आरती की गई और उपस्थित श्रद्धालुओं ने व्रत का प्रसाद भंडारा ग्रहण किया। जिन श्रद्धालुओं ने पार्थिव शिवलिंग पूजन रुद्राभिषेक में भाग लिया, उनको विशेष उपहार प्रदान किए गए। पार्थिव शिवलिंग पूजन रुद्राभिषेक पंडित वीरेंद्र जोशी और पंडित संतोष ने मिलकर संपन्न कराया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं और समिति सदस्यों ने बड़ी ही श्रद्धा भाव से सहयोग किया। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग पूजन किया गया। यहाँ पर मिट्टी के शिवलिंग बनाए गए और ये मिट्टी के शिवलिंग नदी की मिट्टी से, तालाब की मिट्टी से बनाए जाते हैं, लेकिन हमने बावी की मिट्टी से बनवाए यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग। यहाँ पर पहले गणेश जी का, देवी जी का और फिर कार्तिकेय जी का, नंदी जी का अभिषेक होने के पश्चात श्री जी महादेव शिव जी का अभिषेक किया गया। जलधारा बराबर चलाई गई, रुद्राभिषेक किया गया, पूरा रुद्री पाठ किया गया, उसके बाद ही इसमें अभिषेक किया गया। सभी यजमानों ने 108 शिवलिंग बनाई थी, पार्थिव शिवलिंग, उनका अभिषेक किया गया। ये पार्थिव शिवलिंग का पूजन हम आज महाशिवरात्रि पर करते हैं, क्योंकि आज महाशिवरात्रि पर ही, जैसे कि हमारे पुराणों में मान्यता है, आज ही के दिन प्रथम प्रकाश शिवलिंग का उदय हुआ था। इसके अलावा आज ही के दिन माता शैलपुत्री ने, जो हिमालय पुत्री कहलाती हैं, देवी जी ने, महादेव जी जो कि पहाड़ों के निवासी हैं, कैलाश निवासी कहलाते हैं, उन महादेव जी का बर रूप में ग्रहण किया था। इसी अवसर पर यहाँ पर आज शिव जी का विवाह भी मनाया जाता है और शिवलिंग का पूजन भी इसीलिए किया जाता है क्योंकि आज की के दिन सबसे पहला प्रकाश शिवलिंग का उदय हुआ था। मेरा सभी लोगों से आह्वान है कि सभी लोग पार्थिव शिवलिंग पूजन अवश्य किया करें, महाशिवरात्रि पर तो करते ही हैं। इसके अलावा अपने अपने घरों में सोमवार के दिन या मंदिरों में आकर सोमवार के दिन वहाँ अभिषेक, रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए। हमारी पुराणों में और हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, उसी के अनुसार हम इस प्रोग्राम को करते हैं और हर साल के भांति इस बार भी हमने इसे मनाया है। आरती की गई, उसके बाद में महाअभिषेक के बाद में सामूहिक आरती हुई। आरती के पश्चात यहाँ पर व्रत का भंडारे का आयोजन किया गया है, वो आप देख ही रहे हैं, विशाल भंडारा यहाँ पर व्रत का चल रहा है। कैसा रहा आज का? आज का प्रोग्राम काफ़ी अच्छा रहा, सभी उत्साहित हैं और जो लोग इस विषय में नहीं जानते थे, जिनको जानकारी नहीं है, उनको जानकारी मिली तो वो इसको प्राप्त करके बहुत खुश हैं कि हाँ, इस तरह से कराया करिए और हम भी आया करेंगे, यही सबका हमसे कहना है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।